हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। और आज का ये लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है गुजरात का। ये एकमात्र लॉन्ग ब्लॉग है गुजरात का, वन एंड ओनली, जो कि बाकी सब तो मैंने शॉर्ट्स में दिखाया हुआ है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। गुजरात डायरीज का ये वन एंड ओनली लॉन्ग ब्लॉग होने वाला है और इसमें मैंने दिखाया है मेरी बहन का यूनिवर्सिटी, दिखाया है उसका रूम, दिखाया है तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये MSU यूनिवर्सिटी है गुजरात वडोदरा का। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग मेरी बहन के रूम में आ चुके हैं और ये सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, अभी कुछ भी सेट नहीं है क्योंकि अभी हम जस्ट आए हैं, अभी सब सेट होगा। और पापा कुछ बता रहे थे मेरी बहन को, कुछ डायरेक्शंस दे रहे थे या पता नहीं। और यहाँ मैं उसको कुछ पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है नए जगह में आके, वो बता रही थी, पर फिर से मैंने उसका वॉइस म्यूट कर दिया एज यूजुअल। तो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मुझे खुद वॉइस ओवर करना है, ऐसे ही तुझसे बुलवाती हूँ। तो जो भी हो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान के सामने दिया जलाए है फर्स्ट आके ही रूम में, और उसके बाद बाकी सब स्टार्टिंग होगा। तो उस रात तो मैं और मेरी माँ उसके साथ ही रूम में रह गए थे, और दूसरे दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तो हम दोनों भी साथ में निकले थे कॉलेज से, सीधा हम लोग आसाम लौटने वाले थे। और यहाँ मैं इतना क्या खुद को देख रही थी मुझे नहीं पता, पर जो भी हो उसके बाद याद आया कि हाँ, इन दोनों को भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह सब रेडी हो रहे हैं, इसके कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी आए हैं। और ये रहा यूनिवर्सिटी MSU, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा। और यहाँ पे आके मतलब वाइब ही अलग है, और इतना अच्छा लग रहा था ना तो कि मैं बता ही नहीं सकती। तो पूरा जितना घूमी हूँ दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी से आप लोगों को यूनिवर्सिटी ही दिखेगा इस व्लॉग में। ये रहा पूरा कैंपस, ये स्टूडेंट्स कुछ, और ये यूनिवर्सिटी का सारा बिल्डिंग एकदम राजा महाराजा के दिनों से ही ऐसे ही है, इसीलिए महल जैसा ही दिखता है पूरा यूनिवर्सिटी। और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है गुजरात का ही, और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 2 सीट्स खाली होता है, और उनमें से एक में मेरी बहन को मिल गया आसाम से। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है पर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। ये 2020 से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मतलब मैनिफेस्ट कर रही थी एक तरह से, और उसका मैनिफेस्टेशन पूरी हो गया, जो आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड सो हैप्पी फॉर हर। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि महाराजा के दिनों से ही है, तो सयाजी राव ने ही बनाया था ये यूनिवर्सिटी तब के टाइम में ही, तो इसीलिए सारा बिल्डिंग्स महल जैसा ही दिखता है। और ये रहा आर्ट्स फैकल्टी, और अभी इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कॉमर्स सेक्शन, जो कि वही एक सेक्शन मिला हम लोगों को जो मतलब महल जैसा नहीं दिखता, नॉर्मल अभी के दिनों जैसा बिल्डिंग है, बाकी पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस ही पूरा महल जैसा ही वाइब देता है। और कॉमर्स बिल्डिंग की तरफ चलते चलते थोड़ा सा आप लोगों को ये आर्ट्स फैकल्टी दिखाते हुए ही जाऊंगी, क्योंकि ये बिल्डिंग मुझे बहुत ही प्यारा लगा। पूरा जितना बिल्डिंग्स मैंने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर, सब में से प्यारा मुझे यही बिल्डिंग लगा, इसीलिए इसको मतलब मैं रिकॉर्ड करना छोड़ ही नहीं पाई। इसको रिकॉर्ड करते करते ही मैं चली जा रही थी, और अभी एडिट करते टाइम भी इसको क्रॉप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी आप लोगों को तो दिखाऊंगी ही, तो बस आप लोग देखिए, चाहे थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा था ये देख के कि मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए ये तो व्लॉग में डालूंगी ही। और फिर धीरे धीरे अभी बिल्डिंग ये देखिए ख़त्म हो रहा है, बहुत लंबा एक बिल्डिंग था। और अभी हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के तरफ जा रहे हैं, वो रहा सामने व्हाइट बिल्डिंग जो धीरे धीरे आप लोगों को दिखना स्टार्ट हुआ है, वही है। और पास ही में एक मंदिर था वहाँ पर, जो देख के मतलब मेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो मंदिर छोटा सा है पर फिर भी देख के बहुत सुकून मिला मुझे। और यहाँ स्टूडेंट्स भी इस पार्ट में मुझे ज़्यादा दिखने को मिले दूसरे पार्ट से, और सारा लोग मतलब सारा स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे थे एक तरह से। और ये रहा ये मंदिर, ये शिव मंदिर है, पर मैं अंदर नहीं गई थी और बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊँगी। तो देखिए कितना प्यारा है, मैं बोल रही थी ना। और यहाँ साफ़ सफाई भी चल ही रहा है, और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने से भी अभी मंदिर दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जो अभी आप लोगों ने देखा वो साइड से था, सामने से स्टूडेंट्स प्रे भी कर रहे थे। और ये रहा कॉमर्स बिल्डिंग, ये पूरा यही एक लौटा बिल्डिंग है पूरा यूनिवर्सिटी में आज के ज़माने का, बाकी सब तो महाराजा के दिनों का ही है। और ये रहा शिव मंदिर सामने से,
और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरी बहन की डिपार्टमेंट की, और वो बाय द वे साइकोलॉजी स्टूडेंट है, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग जा रहे थे, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि हम लोग रास्ते में भटक गए थे। अभी तक तो नहीं भटके, हम लोग एक रास्ते से गए, वो रास्ता बंद था, तो लौटते टाइम हम लोग दूसरे रास्ते से आए, इसीलिए वो भी खुद पहचान नहीं पाई क्योंकि उसका फर्स्ट डे है ऑब्वियसली। तो अभी हम लोग आते आते पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट की तरफ आ चुके थे, और ये एरिया बाय द वे मुझे थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगा था। और सामने एक घर है, आप लोगों को दिखाऊंगी वो किस चीज़ का घर है, मुझे तो पता नहीं, पर वो हिल स्टेशंस में जो गेस्ट हाउस होते हैं उसका वाइब दे रहा था। मतलब आते ही मैंने मम्मी को बोला था कि पहले जब हम लोग स्टार प्लस में सीरियल्स भी देखते थे तो जो गेस्ट हाउस दिखाते थे, जाते थे घूमने लोग, तो वैसा ही दिख रहा है। और अभी भी हम लोग हिल स्टेशन गए हैं तो ऐसा कुछ घर दिखने को मिलता ही है, वैसा ही दिख रहा था, बहुत सुंदर था, इसीलिए आप लोगों को दिखाया। और उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका डिपार्टमेंट हम लोग पहुंच ही नहीं रहे थे, लगता था कि अब उसको छोड़ के जा रहे थे ना, इसीलिए भगवान हमें कुछ टाइम साथ में बिताने के लिए लंबा दे ही रहे थे, है कि नहीं। जो भी हो, हम लोग जा रहे थे और जहाँ भी स्टूडेंट्स देखे बस पढ़ ही रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और ये रहा फिजिक्स डिपार्टमेंट, हम लोगों को लगा कि इसके अंदर से रास्ता होगा, हम लोग घुस गए, लेकिन नहीं, यहाँ से भी हम लोगों को लौटना पड़ा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को फिजिक्स डिपार्टमेंट का भी अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ, जो कि ये भी बहुत प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स साइड में पढ़ रहे थे बैठ के लॉन में, जो कि मैंने नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी भी याद है कि मैंने देखा था कुछ लोगों को पढ़ते हुए लॉन में बैठ के। और फिर वहाँ से हम लोग ये बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग फाइनली उसके डिपार्टमेंट पहुँच गए हैं। अभी वो जा रही है, उसको बाय बोलते हैं और हम लोग आसाम चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी चला हम दोनों का, बहनों का, और क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था बाय द वे 22 अगस्त, और मैं इस बार अपना बर्थडे भी अच्छे से नहीं मना पाई क्योंकि हम लोग उसी दिन लौट रहे थे, तो मेरा पूरा बर्थडे ट्रेवलिंग में ही गया, और ये दुख मुझे आज तक रह गया सच बोलूँ तो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे केक कट करने का मन था लेकिन नहीं कट कर पाई। जो भी हो, अगले साल कट कर लेंगे। और उसके बाद वो चली गई, फिर भी हम लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि मम्मी पापा नीचे रुक के उसे देख ही रहे थे, और रोया भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग घर चले आए थे। तो बस यही था आज के लिए। टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब